सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। शिरडी साईं बाबा महासमाधि दिवस या साईं बाबा पुण्यतिथि वह दिन है जब साईं बाबा ने अपना नश्वर देह त्याग कर महासमाधि ले ली थी। 2023 में साईं बाबा महासमाधि दिवस या पुण्यतिथि 24 अक्टूबर को आ रही है। हर साल विजयदशमी या दशहरे के दिन बाबा का समाधि दिवस मनाया जाता है। ये दिन शिरडी और देश विदेश के सभी साईं मंदिरों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हर भक्त बाबा की सेवा आराधना अपने हिसाब से करता है। कोई सोने का मुकुट चढ़ाता है, कोई फूल की माला तो कोई शॉल, कोई बाबा की मूर्ति को मंगल स्नान कराता है, चंदन लगाता है तो कोई अपने आंसू से साईं बाबा का चरण सेवा करता है। पर बाबा ने अपना जीवन बहुत ही सरलता से बिताया है, ये हम सभी जानते हैं। बाबा हम सब भक्तों से सिर्फ प्रेम भाव और समर्पण चाहते हैं, इससे ज्यादा बाबा को हम सभी भक्तों से कुछ नहीं चाहिए। पर इस खास दिन को हम अपने साईं बाबा की सेवा कैसे करें, इस दिन को और खास हम कैसे बनाएं, आइए जानते हैं। आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 3 से 6 के बीच में उठकर बाबा की काकड़ आरती कीजिए। अगर आप उठ नहीं पाते तो कोई बात नहीं, YouTube चैनल्स हैं जहां पे रोज सुबह शिरडी से काकड़ आरती का लाइव टेलीकास्ट होता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाबा को प्रणाम कीजिए, बाबा को नए दिन के लिए शुक्रिया कीजिए। अपने घर की साफ सफाई के बाद अपने घर के मेन एंट्रेंस पर तोरण जरूर बांधे। खुद नहा के घर के मंदिर को साफ कीजिए और साईं बाबा को पंचामृत से या गंगा जल से स्नान कराइए। बाबा को स्नान कराने के बाद सुंदर नए वस्त्र पहनाइए। अगर आप नए वस्त्र नहीं ला सकते तो मन छोटा मत कीजिए, आप पुराने वस्त्र को धोकर भी पहना सकते हैं। बस ये छोटी सी बात जरूर याद रखना कि भाव का अभाव नहीं होना चाहिए। बाबा को फूल की माला पहनाइए, पीले और गुलाब का फूल से श्रृंगार कीजिए। अगर पीले और गुलाब का फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, कोई भी फूल से आप बाबा का श्रृंगार कर सकते हैं। बाबा को चंदन का तिलक लगाइए, बाबा को भोग लगाइए। आप बाबा को जो खिलाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं बाबा को खिचड़ी बहुत प्रिय है, हलवा बना सकते हैं। अगर आप घर में कुछ भी नहीं बना सकते तो आप मिठाई और फल का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। बाबा के सामने दिया जलाइए, अगरबत्ती से घर को महकाइए, प्रेम से आरती कीजिए परिवार के साथ। सारा दिन कोशिश कीजिए कि आप बाबा का नाम स्मरण करें। अगर आपके घर में बाबा की पालकी है तो पूरे घर में या सोसाइटी में जहां आप रहते हैं बाबा की पालकी निकालिए भजन गाते हुए। इस दिन श्री साईं सच्चरित जी का पाठ जरूर करें। इस दिन श्री साईं सच्चरित जी का पाठ करना बहुत लाभदायक होता है। हो सके तो शाम को अपने नजदीकी साईं मंदिर जरूर जाएं और साईं बाबा के 11 वचन जरूर जरूर पाठ कीजिए। बाबा को अन्नदान पसंद है। इस दिन आपके सामर्थ्य अनुसार आप गरीबों में खाना जरूर बांटें, ज्यादा नहीं तो किसी एक भूखे को जरूर खाना खिलाइए। अगर इस प्रकार बाबा की समाधि दिवस आप नहीं मना पाते तो अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। आप पूरे श्रद्धा और प्रेम से बाबा को याद करें, मन में साईं साईं का नाम जपें, बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। साईं बाबा सिर्फ हमारे भाव और प्रेम के भूखे हैं, इससे ज्यादा उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। ये समाधि दिवस आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, बाबा से मेरी यही प्रार्थना रहेगी। ओम साईं राम।